हाउ टू मेक क्लोहिच। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द जीनियस वर्कर्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। रोप वर्क प्लेलिस्ट के इस 11वें एपिसोड में आज हम सीखेंगे क्लोहिच बनाना और इसका इस्तेमाल। किसी रोप को किसी खंभे या पाइप से बांधने के लिए यह सबसे बेस्ट और लोकप्रिय तरीका है। इस बांध से स्लैक बैक नहीं होता है, मतलब रस्सी को जितना खींच कर बांधेंगे रस्सी उतना टाइट रहेगा, ढीला नहीं पड़ेगा। टैंकर जहाजों पर 90% क्लोहिच का ही इस्तेमाल होता है। हेविंग लाइन को हाउजर रोप से बांधने में क्लोहिच काम आ सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग पशुओं को खंभे से बांधने में क्लोहिच का ही इस्तेमाल करते हैं। इसे बांधने और खोलने दोनों में आसान होता है। इस वीडियो में हम क्लोहिच बनाने के दो तरीके सीखेंगे। पहला तरीका, यदि डायरेक्ट पाइप या खंभे में क्लोहिच मारना हो तब, और दूसरा तरीका उसके लिए है जब रस्सी में क्लोहिच बना के खंभे में डालकर टाइट कर देना हो। और ये दोनों तरीका सीखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बनाते हैं क्लोहिच पहले तरीके से। ये पाइप है जिसपे ऊपर से एक टर्न लिया, फिर इसे क्रॉस करते हुए दूसरा टर्न लिया। फिर इसके रनिंग एंड को दूसरे टर्न के नीचे से घुसेड़ के निकाल देंगे और इसे टाइट कर लिया। ये बन गया क्लोहिच। अब इस क्लोहिच में और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए चाहे तो इसमें हाफ इंच मार सकते हैं। इस तरीके का क्लोहिच वहाँ मारेंगे जहाँ पाइप या पोल का दोनों सिरा बंद हो, मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ हो। अब आते हैं क्लोहिच मारने के दूसरे तरीके पर। दो लूप बनाएंगे, छोटा एंड नीचे है और रोप का बड़ा एंड ऊपर से जा रहा है। ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप हो गया। अब पहले लूप को ऊपर और दूसरे लूप को नीचे सरका देंगे और उसके बाद उस पोल या खंभे में डाल के टाइट कर लेंगे। ये हो गया दूसरे तरीके से बना क्लोहिच। इसी तरीके से गांव में पशुओं को बांधते हैं।